मूड नहीं है। पीटीसी करो ग्रेटर सब ना कर्नल किसने ना बगल में इंटरव्यू दे नहीं पर दीर्घ प्रतीक्षार पर उद्बोधन हलो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कल्याणी। 2015 साले केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य दफ्तर एर अनुमोदन दिए कल्याणी का बसंतपुर ग्रामे 179 एकर जमीते शुरू हो काज। प्राथमिक भावे MBBS छात्र छात्री भर्तिर माध्यमे एकाडेमिक काज शुरू हलो, रोगी परिसेवा शुरू हलो प्राय 6 बछर परे। इतिमध्येई जानुआरी मासे MBBS छात्र छात्रीदेर द्वितीय ब्याच भर्ती हये गेछे। आज जानुआरी मासे 27 तारीख थेके शुरू हलो आउटडोर परिसेवा। रेडी सर, आज तो शुरू हुआ आपका एम्स का जो एक्टिविटी शुरू हुआ सर, तो हिस्टोरिकल मोमेंट है, तो आज की मतलब कैसे ये पेशेंट देख पाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा सर, जरा डिटेल बताइए प्लीज। सबसे पहले तो आज एक बहुत अच्छा दिन है जिसमें हमने OPD शुरू की है। अभी छोटे स्तर पे OPD शुरू हुआ है 8 डिपार्टमेंट से, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्सगाइनिंग, IENT, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री और डर्मेटोलॉजी। पेशेंट का अभी कंसल्टेशन सर्विस शुरू हुआ है और 150 से 200 मरीज से ज़्यादा जो है अभी हमारे पास अभी मैन पावर कम है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जाएंगी हम ये संख्या बढ़ाते जाएंगे और निकट भविष्य में मुझे लगता है कि अप्रैल मई तक हम पूरी तरह से जो है OPD की सेवाएं शुरू कर पाएंगे। कुल करीब 17 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें OPD की सेवाएं जो है स्पेशलिटी है, बाकी सुपर स्पेशलिटी में थोड़ा और टाइम लगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके OPD शुरू करने लायक स्थिति बना दी, और इन लोगों का ही एफर्ट था कि जो हम आगे शुरू कर पा रहे हैं। सर ये सर जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट है सर, ये कब तक शुरू होने वाला हो सकता है, उम्मीद कर सकते हैं हम? डिपार्टमेंट जो है जब तक हमारे पास में बाकी स्टाफ और इक्विपमेंट और फर्नीचर नहीं आ जाता है तब तक हम नहीं शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जब मरीज हम भर्ती करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि हम सारी सुविधाएं दे पाएं। ऐसा ना हो कि इनके रास्ते में हमको कहना पड़े कि भाई मरीज को आप दूसरी जगह ले जाइए, हमारे पास सुविधा नहीं है। तो उससे अच्छा है थोड़ी देर हो लेकिन अच्छे से, ताकि मरीज को पूरी सुविधा मिल सके। आधा अधूरा काम करने में कोई फायदा नहीं है। सर कोई टारगेट डेडलाइन है आपके पास, कोई मतलब कब तक शुरू होना है ऐसा कुछ, मतलब कम फुल फ्लेज जो ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन जो है इस साल के अंत तक जो है उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बिल्डिंग को एक बिल्डिंग जो है हमको मिल जाएगी वही नहीं था, लेकिन उसके बाद तो उसका इक्विपमेंट आने में समय लगता है। फैकल्टी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, ये सारा आने के बाद ही जो है हम कर पाएंगे। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि ये इस साल के अंत तक जो है पूरी तरह से हम इसे कर पाएंगे। सर ये OPD जो इनपेशेंट डिपार्टमेंट, ये सब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है सर क्या? ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री सर्विस? फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोई भी एम्स में नहीं है। अच्छा। क्योंकि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, थोड़े से रिसोर्सेज हमको जो है जनरेट करने पड़ते हैं। अच्छा। क्योंकि इतना खर्चा होता है कि जो अकेले कोई भी सरकार कहीं भी नहीं देता। अच्छा। लेकिन इतना सब्सिडाइज रहेगा, इतना कम खर्चा रहेगा, एक भी मरीज को आप कहीं भी आप भर्ती कराते हैं तो पर डे जो सुविधाएँ आप देख रहे हैं इसमें कितना खर्चा रहेगा, बहुत नॉमिनल चार्जेस रहेंगे। अच्छा। जो भी रहेंगे वो रहेंगे। और सर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर कुछ है, ऑनलाइन होगा सर? सर जी नहीं, ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने की सबसे बड़ी सुविधा है
कि हमारा पेशेंट कहीं से भी जो है अपने वो रजिस्टर कर सकता है, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, फिर आते ही जो है उसका सारा काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन इमरजेंसी तो अलग रहेगी, इमरजेंसी में तो जैसे फिर वेट करने का कोई सवाल नहीं होता है, कोई रजिस्टर करने का भी, जैसे ही पेशेंट को कोई जरूरत पड़े इमरजेंसी में आएंगे। और एक सर लास्ट क्वेश्चन है सर, हम लोग सुना था कि फॉर रिसर्च एक्टिविटीज वी आर गोइंग टू टाई अप विद इंस्टीट्यूट्स लाइक IISER, NIGBA, सर इज देयर एनी सर कंफर्मेशन रिगार्डिंग दिस सर? रिसर्च के हिसाब से जो है उनके साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अच्छा। और वो लोग बेसिक साइंसेज में रिसर्च करते रहते हैं, राइट, तो मेडिकल फील्ड अगर उनके पास में जुड़ता है तो जितने भी इनोवेशन होते हैं, जितनी भी नई चीज़ें बनती हैं, बिना उनके सहयोग के नहीं बन पाती हैं। तो NIBG और ISSR से हम जो है सहयोग, बल्कि ISSR से तो हमारा MOU भी हो चुका है रिसर्च के लिए, और NIBG से भी हम जल्दी करने वाले हैं, बल्कि हम तो IIT वगैरह से भी जो है जुड़ेंगे और बाहर की संस्थाओं से भी जुड़ेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सर। एम सूत्र जाने गए थे आपात तो मात्र 8 विभागे प्रतिदिन सकाल 9 থেকে দুপুর 1 পর্যন্ত বহির্বিভাগের পরিষেবা পাওয়া যায়। বহির্বিভাগের পেশেন্টদের জন্য আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের পরে তাদের OPD এসে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রতিটি ভিজিটের ক্ষেত্রে মাত্র 10 টাকা দিতে হবে প্রতি রোগীকে। সোম থেকে শুক্রবার এই পরিষেবা পাওয়া যাবে যে কোনো সরকারি ছুটির দিন, এবং শনিবার এবং রবিবার OPD পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এইমস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই তারা পেশেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অনলাইন পরিষেবা এবং একটি অ্যাপ চালু করবেন। সিরদরদ उसके बाद पूरा बदन दर्द होता है, तो मैंने पहले से डॉक्टर से मैंने परामर्श लिया था, बोला ठीक है पहले जनरल मेडिसिन में देखो, उसके बाद अगर किसी में कन्वर्ट करना है तो हम कर देंगे। तो कैमन लग जाएंगे फर्स्ट रिएक्शन की बोले तो? फर्स्ट रिएक्शन मतलब ये है कि मैं इसी का इंतजार में था कि कब हमारा एम्स शुरू होगा, तो उसी के इंतजार में था। मैंने कल एडी सर से बात भी किया था, एडी सर बोला ठीक है आप नाम लिखा देना, नाम लिखाने के बाद आपका जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो साथ में रखना, मेरा डॉक्यूमेंट पुराना साथ में भी है, और लेकर के आया, बोला ठीक है थोड़ी देर बाद में जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट है उस स्पेशलिस्ट के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, अच्छी तरह से इलाज होगा।